हे गाइस, वेलकम टू द थंडर वर्ल्ड। देखो, झूठ मत बोलना। मुझे ये बताओ कि स्कूल के टाइम में अगर तुम्हारे लंबे बाल होते थे तो तुम्हारा क्या हाल होता था, कमेंट में जरूर बताना। हे गाइस, आई नो कि मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो लेकर आया हूँ जिस हिसाब से मुझे चप्पलें पड़नी चाहिए। रणविजय की तरफ देखो, यूट्यूब ने मुझे एक वार्निंग दी है जिस हिसाब से मुझे थोड़ा संभल की वीडियोस डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी 1 साल की मेहनत ऐसे ही पानी में चली जाए। सब से आपको थोड़ा सा अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बातें कुछ ज्यादा ही कर ली हमने, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 2 3 बूम। स्कूल में 3 टाइप्स के बच्चे होते हैं। पहले अच्छे बच्चे, दूसरे किताबी कीड़े और तीसरे गंदे बच्चे। एंड गेस व्हाट, तुम्हारा भाई भी इसी कैटेगरी में आता है। हालांकि मैं कोई गंदा बच्चा नहीं था, मैं अच्छा बच्चा था, लेकिन कुछ हरकत ऐसी थी कि जो मुझे इस कैटेगरी में घुसाती थी। खैर, आज हम उन हरकतों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे बालों की। तो पूरे स्कूल में कोई ना कोई ऐसा हरामी टीचर होता है जो सारे क्लासेस में घूमता है और हेयर स्टाइल चेक करता है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में तो था। पता नहीं उसे क्या मजा आता था, पूरे स्कूल के क्लासेस में घूमता था, वो भी सिर्फ यही चेक करने के लिए कि किसी बच्चे के बाल लंबे तो नहीं है। वो साला टीचर पहले मेरे ही क्लास में आता था और सबसे पहले मुझे ही बोलता था, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। क्योंकि मेरे बाल कुछ इस टाइप होते थे, मैं चुपचाप से क्लास के बाहर निकल जाता था और लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता था कि साला इतनी बेइज्जती। तभी मेरे पीछे मेरे फ्रेंड्स को भी उस हरामी टीचर ने बाहर निकाल दिया और उनकी पूरी टीम को उसने क्लास के बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में वो टीचर आया और बोला, आज तुम सबका मुंडन होगा और तुम्हें सारे क्लासेस के बच्चों को अपना टकला दिखाना होगा। भाई, मेरे तो होश उड़ गए। लिटरली इतनी गंदी फटी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने सर से सीधा ही बोल दिया कि सर मारना है तो मार लो, लेकिन मैं टकला नहीं कराऊंगा। भाई, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन साला इतना हरामी टीचर था कि पूरे स्कूल में से 20-30 लड़कियों को लेकर आया और उनके सामने हमारा टकला करवा रहा था। नहीं मतलब बकचोदी ढोल देख रहे हो, साला वो टीचर पूरा विलन था बे। तो टकले होने की सबसे पहली बारी आई मेरी, क्योंकि उस सर के सामने कोई बोल नहीं रहा था सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे अपने बाल पसंद थे, मुझे टकला होना नहीं। बट उस सर ने मेरी एक नहीं सुनी, पहली बारी मेरी ही आई। सर ने वो उस तरह क्या बोलते हैं वो उठा लिया और मुझे टकला करने के लिए रेडी हो गए। वो सारी लड़कियां मेरे को देख रही थी और भाई लिटरली वो लड़कियां इतनी खूबसूरत थी कि सारी लड़कियों पर अपन को क्रश था और उनके ही सामने अपन का टकला होने जा रहा था। तो सर ने मेरा टकला करना शुरू कर दिया और लड़कियां मेरे पे हंस रही थी और मेरी सटक गई। मैंने बोल दिया कि अगर कोई हंसी ना तो मैं उसको टकला कर दूंगा। सारी लड़कियां चुप हो गई लिटरली और सर ने मुझे एक पट से टकला सोट दिया। मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रहा। अगर मैं कुछ बोलता ना तो साला फिर से वो मुझे मारता। थोड़ी देर बाद उसने मेरा टकला कर दिया, उसने मुझे साइड में खड़े रहने को बोल दिया और सारी लड़कियां मेरे टकले को कुछ इस तरीके से देख रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैं शर्म के मारे उनसे आग तक नहीं मिला पा रहा था। कुछ 2-2.5 घंटों के बाद हम सबको टकला कर दिया और हरामी सर ने बोला कि अब तुम लोग सारे क्लासेस में जाओ और अपना टकला सारे स्टूडेंट्स को दिखाओ। यहां से लात फेंक के मारूंगा ना, पूरा खानदान टूट जाएगा तुम्हारा। नहीं मतलब एक तो टकला कर दिया, लड़कियों के सामने बेइज्जती करवा दी, मार भी खा लिया और कितनी बेइज्जती करवाई। लेकिन अगेन हमारे दुख समझने वाला कोई नहीं था, तो वो सर हमें क्लासेस में ले गए और हमारी और बेइज्जती की। वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर किसी लड़के ने लंबे बाल रखें तो उनका भी ये हाल होगा। भाई, पूरी स्कूल के बच्चों के सामने बेइज्जती समझते हो, कितना बुरा लगता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स तो साले रोने लगे और मुझे ये देख के हंसी आ रही थी। मतलब उस टाइम वो टकले भी थे और रो भी रहे थे, भाई पता ही कॉमेडी लग रहे थे बे। फिर अगले दिन से मेरे फ्रेंड्स में से आधे से ज्यादा तो 1-2 हफ्ते तक तो आए ही नहीं और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मैं सोचता था कि साला एक तो बेइज्जती हो चुकी है तब डरना क्यों, अब पूरे स्कूल को पता है कि हमारा टकला हो चुका है तो अब डरने शर्माने के कोई मतलब नहीं बनता। एंड जो भी मुझे टकला बोलता था उसको मैं पकड़ के इतना पीटता था कि वो सीधे उस हरामी सर के पास जाते थे और मेरी शिकायत करते थे, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। सो गाइज, ये थी मेरी दर्द भरी दास्तां। क्या अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड मैं आगे भी आपको मेरी ऐसी कहानियां बताऊंगा जो कि सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट होती है। सो या, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टा हराम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you?